पर फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे होंगे जो दो दो शख्स हैं, ये आज काशीराम जी का जन्मदिवस यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। और के एस मिनैया जी मेरे साथ हैं और रघुवीर बौद्ध जी मेरे साथ मौजूद हैं, सहारनपुर से हैं आप। के एस मिनैया जो मिनैया आंध्र प्रदेश से हैं, सर क्या था उस समय, क्योंकि आप लोग काशीराम जी के काफ़ी करीबी रहे हैं, क्या था थोड़ा सा मुझे बताएं काशीराम जी के बारे में। तमाम लोग जानना चाहते हैं क्योंकि आप लोग उनके साथ रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। क्या बताऊं उनके साथ, काशीराम जी के साथ कैसे काम करते थे आप लोग और क्या विचारधारा थी और कितना काम करते थे वो कंशीराम जी जो है दूसरा काम ही नहीं करते थे, बस समाज की सोचते थे, समाज की सेवा ही करना करते थे। बहुजन समाज जो हुक्मरान बनाना चाहते थे वही दिन रात वही सोचते थे, वही हमको लगे रहो बोलते थे, उसी काम में लगा रहते थे। बस कोई ऐसा किस्सा जो आप और काशीराम जी के बीच में कभी हुआ हो, कोई कुछ ऐसी यादें जो आप और काशीराम जी के साथ हुई हो, कुछ ऐसा कोई वाक्या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप आज जन्मदिवस है आज उनका, कोई ऐसा यादगार लम्हा आप लोग जब काशीराम जी के साथ हों। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था जी, जब एक दफ़ा 94 में पहली दफ़ा वो मैं रिटायर हो के बैठा था जी, जब साहब घर साहब हैदराबाद पहुँचे तो मैं पेपर में सुना के जब देखा के जो है कोई और से आया पंजाब से वो बहुजनों को जो है ठीक करने को जो है राज्याधिकार दिलाने के वास्ते आया है, तो मैं बोला अरे चलो देखेंगे। मैं गया लाइन में खड़ा हुआ तो मेरा टाइम आया तो जो है मुझे मौका मिला 2 मिनट, तो जो है मेरे बारे में उनको इंट्रोड्यूस कर दे, बोलने कोई बोले कि अरे ये तो बहुत डेंजर फेलो है, तो कंशीराम वही चाहते थे होंगे क्या डेंजर फॉलो होना, तो जो है यूँ देख के बोल के अरे भाई तुम मेरे पार्टी में आ जाओ। मैं बोला चलो आ गया। अब उस रोज से आज तक 94 से आज तक कभी दूसरे पार्टी का सोचा नहीं, कोई ऐसी आइडियालॉजी ऑल इंडिया में नहीं तो वर्ल्ड में भी अच्छा आइडियालॉजी है कंशीराम जी का, इस वास्ते मैं लग गया। मेरी 87 एज है, कंशीराम जी से 3 महीना छोटा आदमी। कितनी ऊर्जा मतलब एक होती है एनर्जी काम करने की, कैसा लगता था मतलब कि कभी लगता था कि वो थके हैं या हमेशा एनर्जी में रहते थे? मेरे क्या है मेरे से ज़्यादा एनर्जी, डबल एनर्जी है उनके पास जी। ठीक है, तो रघुवीर बौद्ध जी भी क्या कहेंगे सर, अभी कैसा एक्सपीरियंस मेरे काशीराम जी के उनकी महानता का, उनकी व्यक्तित्व का मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जी अगर कोई महान पुरुष मिला है जी तो साहब काशीराम मिले हैं जी। तो कोई ऐसा वाक्य जो आपके साथ हुआ हो, आप काशीराम जी के साथ कुछ ऐसी यादें? बहुत वाक्य हैं जी, थोड़ा सा बताएं सर आज। मेरे से सवाल किया तुम्हारा क्या नाम है, मैंने कहा मेरा नाम रघुवीर सिंह बौद्ध है, आप क्या काम करते हैं? मैंने कहा साहब मैं रेलवे में सर्विस करता हूँ। अच्छा। कितने घंटे काम करते हो? मैं कहा जी 8 करता हूँ। कि 16 घंटे क्या करते हो? मैं कहा जी आराम करता हूँ। तो इसका मतलब तुम नवाब ज्यादा हो, तुम नवाबों की औलाद हो जो 16 घंटे आराम करते हो। मैंने कहा साहब क्या करूँ कि मेरे साथ लगो और समाज में काम करो। वो पेपर चलाते थे बहुजन संगठक, वो दिन तो आज 1980 में मेरा उनका मुकाबला हुआ करोल बाग हरजान सिंह रोड जी, जो आज भी दफ्तर है शायद उनका जी जी 53 नंबर है उनका जी जी करोल बाग। मैं गया उनके पास जी और मैंने उनका मैं क्या बताऊं बात, एक दफ़ा घटना बिजनौर की है। एक पेपर निकलता चिनगारी, तो चिनगारी पेपर ने लिखा कि जगजीवन राम नंबर 1 थे, बाबा साहब अम्बेडकर नंबर 2 थे जी। वो पेपर मैंने पढ़ा, मैंने कहा कौन निकम्मा है, तो वहाँ साहब काशीराम का पहला प्रोग्राम बाम सेब का 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन था जी। तो किसी ने कहा रघुवीर सिंह बौद्ध आए सहारनपुर से, वो अपने विचार रखेंगे। मैंने कहा एक पेपर में पढ़ा कि जगजीवन राम 1st नंबर, बाबा साहब अम्बेडकर 2nd नंबर, वो गलत है। मैं कंपेरिजन करना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर शेर थे, बाबू जगजीवन राम गीदड़ की भांति थे। तो जो उसके चेले थे अनुयायी जगजीवन राम, वो नाराज होने लगे। मैंने कहा नाराज होने की जरूरत ही, मैंने कह दिया। दूसरी बात मैंने कही साहब काशीराम बैठे हैं, मैं नाम सुना हूँ आपका, आया हूँ आज आपके पास। बाबा साहब के नाम पर लोग
मलाई खा रहे हैं, ब्लैक मेल कर रहे हैं। मौर्य का उदाहरण दिया बाबा साहब के नाम पर सारी जिंदगी, कांग्रेस के जाकर कदम पकड़ लेते। संप्रिय गौतम वो भाजपा में चला गया था, शायद अगर आप ऐसी गुस्ताखी करेंगे तो मैं सहारनपुर में सबसे पहला आपका पत्थर से स्वागत करूँगा। पहली मुलाकात। मैं नहीं समझ पाया कोई मसीहा था जी, मैंने माफ़ी मांगी बाद में। फिर तो उन्होंने एक कार्यकर्ता को कहा कि सहारनपुर के रघुवीर सिंह बौद्ध हैं, उनको कहो कैडर लगाएं जी। कैडर हुआ, हम दो आदमी कैडर में निकले। फिर जब साहब कांशीराम मुझे मिले, मैं उनके पैरों में जा पड़ा। मैंने कहा मेरे से भूल हुई थी, मैं बिजनौर में ये कहा था जो बाबा साहब को ब्लैक मेल कर रहे हैं, मैं उनका पत्थर से स्वागत करूँगा। मैंने कहा मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ आपसे। तो उस मसीहा का मुकाबला मेरे पास शब्द नहीं है साथी। दो पहियों दो पैरों का कमाल, चार बार सत्ता, इसमें क्या कहूँ आपको, दलाल भड़वे से गुंडे खा गए। अब जब क्या देखते हैं अभी आप, एक एज भी आप लोगों की हो गई है, और उस समय एक मूवमेंट जब काशीराम जी के समय चल रहा था, वो मूवमेंट जिंदा होगी। एक तरफ साहब कांशीराम के लाल मेहनत करेंगे और जो दूसरे भड़वे दलाल हैं वो मार खाएंगे। अभी तमाम युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? तमाम युवा खिंच रहे हैं बाबा साहब की तरफ और साहब कांशीराम की तरफ, युवा खिंच रहे हैं, खिंचाव आकर्षण हो रहा है। बस मैं अभी वर्तमान में मानते हैं आपको, अभी बहुजन विकल्प निकलेगा, विकल्प निकलेगा आज, इसका एक अंग आज भी है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या वर्तमान में आपको लग रहा है कोई बहुजन मूवमेंट अभी कोई रियल में कोई चला रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल चला रहे हैं जी, चला रहे हैं। शायद या तो हम नहीं समझ पा रहे या आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन बहुजन मूवमेंट चल रही है किसी न किसी। सर एक मैसेज दें तमाम युवाओं को, एक मैसेज तमाम युवाओं को। आज युवा न कांशीराम को देखी है न बाबा साहब को, सुनी भी कम से कम, हाँ। मगर युवा ये चाहती है कि जो है बहुजन को जो है सत्ता हाथ में आना, सत्ता। अब ये मायावती जहाँ भी लगाती है कैंडिडेट्स को पूरे फेल। अब सबके डिपॉजिट चले जा रहे हैं मगर शर्म नहीं आती, ये उसको जो है वो टिकटें बेचती है। हमें साउथ इंडिया में आके लास्ट ईयर भी जो आंध्र प्रदेश में जितनी टिकटें भेजी है, तेलंगाना में 179 टिकटें दे दी है पैसा लेके, सबके सब फेल हार गए और उनके सबके डिपॉजिट भी चले गए। ये हालत है अब, इस वास्ते जो है सब बदल रहे, रिवोल्ट हो जाएगी। मायावती कुछ तो बेकार ये आती नहीं, कोई भाषण देती नहीं, कुछ करती नहीं, और पैसा मांगती है हर जन्मदिन को, जो पैसा मांग सिर्फ हर पैसा मांगना ही है जनवरी 15 को। तो ये हालत है। थैंक यू सर, थैंक यू।